Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from a editorial segment. It is about right to choice of food. And this article is useful from our syllabus paper 5 Ethics and Integrity Point of View. देखिए सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं पिछले महीने गुजरात में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो रोड साइड पे वेंडर्स मीट या एग डिशेज़ बेचते हैं या जो भी नॉन वेजिटेरियन डिशेज बेचते हैं बेचते हैं उनके कार्ट को उनके ठेले को सीज कर लिया था उन्होंने अहमदाबाद म्यूनसपल कॉरपोरेशन ने एक ऑर्डर निकाला था कि द सेल ऑफ़ नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ नॉट परमिटेड विद इन हंड्रेड मीटर्स रेंज ऑफ रिलीजियस प्लेस गार्डनस पब्लिक प्लेस स्कूल्स एंड कॉलेज तो इस तरह का ऑर्डर था कि आप इन तमाम जगहों पे 100 मीटर के दायरे में आप नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे कि मीट वग़ैरह या इवन एग नहीं बेच सकते और अहमदाबाद म्यूनसपल कॉरपोरेशन से पहले इसी तरीके के डिसीजंस लिए थे वड़ोदरा भावनगर जूनागढ़ या राजकोट शहर के मुंसिपल कॉरपोरेशंस ने तो उसके बाद ये मामला पहुंचा गुजरात हाई कोर्ट में और गुजरात हाई कोर्ट ने फिर फैसला सुनाते हुए कहा कि राइट टू फूड ऑफ चॉइस इज़ मैटर ऑफ इंडिविजुअल्स राइट एक इंसान क्या खाता है क्या खा सकता है वो एक इंसान का अपना इंडिविजुअल राइट right का मामला है और उसमें किसी भी म्यूनसिपल अथॉरिटी या लेजिलेटिव बॉडी का उस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए उस पर कहते डिसीजन सुनाते हुए जस्टिस बिरेन ए वैष्णव साहब ने कहा कि हाउ कैन यू डिसाइड वॉट आई ईट अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेसन से उन्होंने पूछा कि कैसे आप ये फैसला कर सकते हैं कि मैं क्या खाऊंगा मैं नहीं खा सकता उन्होंने कहा कि यू डोंट लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड दैट इज़ योर आउटलुक ये भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाना सही नहीं है बट हाउ कैन यू डिसाइड दैट वाट शुड आई ईट आउटसाइड टुमारो यू विल टेल मी दैट आई शुड नॉट अ ड्रिंक सुगर कैन जूस बिकॉज इट कैन कॉज डायबिटीज और कॉफी बिकॉज इट इज़ बैड फॉर हेल्थ फिर उन्होंने कहा कि देखिए चॉइस चाहे सिर्फ ये खाने की चॉइस की बात नहीं है एनी काइंड ऑफ चॉइस इज क्रक्स ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम ये राइट टू हैव चॉइस इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में भी अगर हम पोलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें राइट टू चॉइस इज द एसेंशियल फीचर हमें अधिकार होता है अपने हिसाब से अपनी सरकारों को चुनने का तो चॉइस इज वन ऑफ द इनहेरेंट आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम मे इट बी पोलिटिकल और मे इट बी डेमोक्रेसी इन एनी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ तो एंड द democratic डेम दिस डेमोक्रेटिक फीचर कैन नॉट बी सेक्रीफाइज इन द नेम ऑफ डी वी सी पॉलिटिक्स तो एक तरीके से जज ने कहा कि आप ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड फॉर दैट यू हैव लिमिटेड और यू हैव रिस्ट्रिक्टेड नॉन वेजिटेरियन फूड ऑन द रोड साइड इसमें कोई आप बहुत इनहेरेंट या मामला नहीं है अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने आंसर राइटिंग में ये तो बात हो गई मुद्दे की कि ठीक है गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट वी ईट इज़ मैटर ऑफ आवर चॉइस एंड इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आप लिख सकते हैं अपने एथिक्स पेपर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अदरवाइज़ कहीं ऐसे में कहीं इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है देखिए आप एथिक्स पेपर में इस तरह से लिख सकते हैं सबसे पहले तो ये देखिए आप सवाल आपसे पूछा गया था यू 2015 में अभी ए में तो एथिक्स का पहला पेपर होना बाकी है यू में उन्होंने दो में पूछा था डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स एथिक्स और कानून के बीच का अंतर बताइए तो इस केस में अगर आप देखिए तो अहमदाबाद म्यूसिपल कॉर्पोरेशन ने जो भी ऑर्डर रीज किए हैं इसकी ग्रेविटी एक कानून के बराबर की है कानून बस वो नहीं होता जो पार्लियामेंट से बन करके के आता है उसके बाद के जो बाई लॉज रेगुलेशन रूल्स बनते हैं उनके पास भी कानून का ग्रेविटी होता है वेटेज होता है तो ये जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो ऑर्डर रिलीज किया है ये भी एक तरह का कानून ही है अब कानून और एथिक्स में क्या रिलेशन है क्या डिफरेंसेज हैं तो आपने जरूर अपने बेसिक एथिक्स के क्लासेज में ये सीखा होगा कि जो भी कानून होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ़ द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी जो जिस समाज का जो एथिकल स्टैंडर्ड होता है यानी कि समाज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट राइट और रॉन्ग आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स कि एथिक्स इज द सोशल स्टैंडर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी रिगार्डिंग राइट और रॉन्ग कि क्या सही है क्या गलत है एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी और अ कम्युनिटी वो होता है उस सोसाइटी का एथिकल स्टैंडर्ड्स इट माइट वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी तो किसी भी सोसाइटी में अगर जो कानून बनाए जाते हैं उस सोसाइटी के लिए वो उसके एथिकल स्टैंडर्ड के साथ सिंक में होने चाहिए इनफैक्ट एथिक्स इज द बेस वाइल लॉ रेट्स रेस्ट ऑन दैट बेस अगर कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो वहाँ के एथिकल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है तो इट इज़ बाउंड टू लीड सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे एंटी सती लॉ 1829 में राइट right? तो उस टाइम में उस टाइम के इंडिया के एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो लॉ जो है वो सिंक में नहीं था और इस कारण से देर वॉज ह्यूज प्रोटेस्ट अगर अभी की बात करें तो देर वॉज अ ट्रिपल तलाक लॉ दैट ऑल्सो लेड टू सम प्रोटेस्ट बिकॉज द एथिकल स्टैंडर्ड इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉज नॉट इन लाइन विद दैट ट्रिपल तलाक लॉ बट तो धीरे 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 एथिकल स्टैंडर्ड सेफ हुआ अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड नाउ द एथिक्स एंड द लॉ आर वेरी मच इन सिंक विथ ईच अदर सेम हैपन विद सबरीमाला टेम्पल एंट्री जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देर वर प्रोटेस्ट तो वैसे ही इस केस में भी, भी अगर आप देखिए तो आपने जो कानून बनाया है वो सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड से मैच नहीं खा रहे हैं हमें सुन के ऐसा लगे कि गुजरात में ज़्यादातर लोग तो वेजिटेरियन फूड खाना पसंद करते हैं तो वहाँ का एथिकल स्टैंडर्ड ऐसा ही होगा वेजिटेरियन फूड का और इसी हिसाब से कानून भी बना है बट अगर आप ये डाटा देखें सो द डाटा गिवन बाय सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे 2014 तो इसके हिसाब से गुजरात के अंदर 40% परसेंट लोग जो हैं मीट ईटिंग पॉपुलेशन है ओवरऑल इंडिया की अगर बात की जाए तो देर सेवेंटी वन परसेंट पॉपुलेशन ईट नॉन वेजिटेरियन फूड लेकिन गुजरात के अंदर भी ये जो नंबर है ये बहुत कोई माइनॉरिटी या बहुत कम नहीं है फोर्टी परसेंट पीपल आर मीट ईटिंग पॉपुलेशन इन गुजरात तो उनके इंटरेस्ट को यानी कि इनके हिसाब से एथिकल स्टैंडर्ड है मीट खाना अब उनके इंटरेस्ट को हमें रेस्पेक्ट करना होगा उनके एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कानून बनाने होंगे अदरवाइज दिस लॉ विल डीड टू प्रोटेस्ट अगर आपको सच में नॉन वेजिटेरियन फूड को आपको डिस्करेज करना है तो आप सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स को बदलिए उस तरीके से उनको इंकरेज कीजिए बट यू कैन नॉट सिंपली ब्रिंग अ लॉ फोर्सिंग द सोसाइटी टू चेंज इट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स एज पर द लॉ तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं अगर आप एथिक्स और लॉ के बीच का अंतर जानते हैं तो आप वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अप्रोप्रेटली इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इसी तरीके से इस कानून को इम्प्लीमेंट किया गया तो जबरदस्ती से तो इट विल बी लाइक व्हाट तालिबान इज़ डूइंग इन अफगानिस्तान कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरीय लॉ को फोर्सफुली समाज पे थोप रहे हैं विदाउट चेंजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी रिगार्डिंग द लॉ तो आपको जो भी कानून लाना है लाइए लेकिन तब तभी लाइए जब समाज की एक अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से बन जाए सोशल एथिक्स उस हिसाब से शिफ्ट हो जाए अभी भी 40 परसेंट पॉपुलेशन जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाना प्रेफर करता है तो आपको उनके चॉइस को रेस्पेक्ट करना चाहिए आपको अगर डिस्करेज करना है तो पहले आप उनको उनको कन्विंस कीजिए उनके एथिकल स्टैंडर्ड को चेंज कीजिए रदर दैन फोर्सिंग इट इन आर्बिट्ररी मैनर ये जो करेंट डिसीज़न है इसको कैसे कैसे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है अब तो गुजरात हाई कोर्ट ने तो उसको रिवोक कर ही दिया है बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैटर और और अब पुटिंग लिमिटेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स चॉइस दैट डिसीजन इज कम्प्लीटली आर्बीट्रेड इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इट इम्पोजेज पर्सनल मॉरल स्टैंडर्ड तो जो लोग भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चला रहे हैं दे आर इम्पोजिंग दे आर मॉरल स्टैंडर्ड ओवर द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी विच मेक्स दिस पर्टिकुलर डिसीजन अन रिजनेबल अन फेयर एंड अनडेमोक्रेटिक आप अपने ओपिनियन लोगों पर थोप नहीं सकते तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए क्या वे अहेड होना चाहिए आप जनरल कंसेंसस बनाइए लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए उस डायरेक्शन में अगेंस्ट कंजम्पशन ऑफ मीट रादर थैन डायरेक्टली मेकिंग इट इल्लीगल अदरवाइज देयर विल बी प्रोटेस्ट इन स्टेट सोसाइटी एंड इट विल आल्सो बी कंसिडर एज वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू चॉइस स्पेशली राइट टू चॉइस ऑफ फूड द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट समिट फॉर डेमोक्रेसी दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस पेपर इन इंटरनेशनल फॉरम्स पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए ये समिट फॉर डेमोक्रेसी यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इसको कंसीव किया है इस इट इज़ हिज ब्रेन चाइल्ड कि भाई हम लोग दुनिया भर में हर साल एक बार एक समिट फॉर डेमोक्रेसी कंडक्ट करेंगे जिसका मेन पर्पस होगा कि जो डेमोक्रेसी के स्पिरिट हैं जो डेमोक्रेसी की भावना है उसको रिवाइव की जाए रिन्यू की जाए पूरे दुनिया भर में वन सकेंड ये जो ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी होगी इट विल बी एन एनुअल समिट साल में एक बार कराई जाएगी और 2021 में यानी कि इस साल इट वाज द इनागरल मीट मतलब ये पहली समिट थी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ समिट एंड इट वाज कंडक्टेड इन वर्चुअल फॉर्मेट तो वर्चुअल फॉर्मेट में कराई गई बिकॉज अभी भी कोरोना पैंडेमिक का तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है ही ओमिक्रॉन की बातें चल रही हैं तो इसलिए इसको वर्चुअल फॉर्मेट पर कराया गया दो का डेमोक्रेसी समिट उम्मीद है कि जो अगला समिट होगा 2022 वाला इट विल बी इट विल बी कंडक्टेड इन इन पर्सन मीटिंग तो ये जो डेमोक्रेसी समिट बुलाई जो बिडेन ने यू एस प्रेसिडेंट ने इसमें अलग अलग देशों से उन्होंने इन, अलग अलग देशों को इन्वाइट किया फॉर एग्जाम्पल इंडिया जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान इवन पाकिस्तान वहां से इन्वाइटेड in इन दिस डेमोक्रेसी सबमिट मालदीव फिलीपीन लेकिन चाइना ऑफकोर्स वॉज नॉट इन्वाइटेड इवन बांग्लादेश वॉज नॉट इन्वाइटेड तो इन सब कुछ देशों को इन्वाइट नहीं किया है चाइना को नहीं इन्वाइट करने के पीछे तो कारण समझ आता है को चाइना इट सेल्फ क्लेम्स दैट इट इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री डज नॉट फॉलो द नोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में नॉर्मली हम मानते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए चाइना में तो ऐसा है नहीं देर इज सिंगल पार्टी सिस्टम लेकिन बांग्लादेश को क्यों इन्वाइट नहीं किया दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बांग्लादेश सुड है अब जरा देखते हैं इंडिया एट ए डेमोक्रेसी समिट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डेमोक्रेसी समिट में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया उन्होंने दो मुद्दों को हाईलाइट किया कि पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी को लेकर के जो दो राइजिंग मुद्दे हैं उस पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को एक कंसेंसस बनानी चाहिए ताकि हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हों और स्ट्रॉन्ग हों रदर दैन गेटिंग इोटेड जो दो मेन मुद्दे हैं वो हैं सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसीज़ ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म की मदद से बहुत तेज़ी से राइज कर रहे हैं और सरकारों के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और वैसे हालात में दुनिया के सरकारों को जो खासकर डेमोक्रेटिक सरकारें उनको मिल करके के फैसला लेना होगा कि कैसे इन दोनों मुद्दों को रेगुलेट किया जाए कि डेमोक्रेटिक तरीके से भी रेगुलेट हों और लोगों के राइट्स भी वायलेट ना हो अभी के अभी ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जो काफ़ी अनरेगुलेटेड तरीके से चल रहे हैं बहुत बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी चीज़ें ला दी जाती हैं जिससे किसी एक पर्टिकुलर देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है और इन तब क्रिप्टो करेंसी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जैसे कि इट हेल्प इट इज़ यूज इन फाइनेंसिंग इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग और, और आर्म्स ट्रैफिकिंग तो इन सब तमाम चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया चैलेंज पोज कर रहे हैं दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए और अकॉर्डिंग टू आर प्राइम मिनिस्टर इन दोनों मुद्दों पे हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज को एक एक, एक एक स्टेबल एक कंक्रीट फैसला लेना चाहिए इस टॉपिक के बेसिस पे एफ्रिल्प प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सब्मिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन The next article is again taken from international segment it is about international solar alliance and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view international solar alliance international agency that was created as a result of uh, the initiative taken by prime minister of india and F president of france in 2015 on the sidelines of कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर ट्वेंटी वन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो जहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर ट्वेंटी वन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज उसी कॉप ट्वेंटी वन के साइडलाइंस में इंडिया के प्रधानमंत्री और फ्रांस uh, के प्रेसिडेंट ने मिलकर के फैसला लिया कि लेटेस्ट इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल एजेंसी जिसका नाम होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मेन पर्पस यू होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन के बीच में यानी कि वैसे एरिया जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ते हैं इन एरियाज़ के बीच में जितने भी देश हैं उनके बीच में एक तरह का कॉपरेशन बिल्ड किया जाए ताकि सोलर एनर्जी को ज़्यादा ज़्यादा हम हार्नेस कर पाएँ तो सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज टू डेवलप कॉपरेशन अमंगस हंड्रेड सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज दोज कंट्रीज दैट आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लेकिन बाद में 2020 में इंटरनेशनल सोलर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया एंड नाउ द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर इज एक्सटेंडेड टू ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन नाउ इट इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू द कंट्रीज दैट आर फुल्ली और पार्शियली लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अगर इंटरनेशनल सोलर लाइंस के सेक्रेटरीट की बात की जाए तो इट इज इन गुरुग्राम ऑफ हरियाणा स्टेट ऑफ इंडिया करेंट न्यूज यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दे दिया है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो आपको पता है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है अपार्ट फ्रॉम गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर एग्जांपल आईयूसीएन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑब्जर्वर स्टेटस इन्जॉय करते हैं एट यूनाइटेड नेशन उसके अलावा कुछ मेम्बर कंट्रीज भी हैं मेम्बर स्टेट भी हैं जैसे कि पैलेस्तन जिसको फुल मेंबरशिप स्टेटस नहीं मिला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला है और ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉरम आर सिलेबस पेपर थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम दो हजार पंद्रह में टू थाउजेंड फिफ्टीन में भारत सरकार ने लॉन्च किया था इसका मेन पर्पज था कि बेटियों को के प्रति अवेयरनेस जनरेट की जाए ताकि जो प्रॉब्लम है इन आवर सोसाइटी लाइक फीमेल फीटिसाइड इन तमाम प्रॉब्लम्स को काउंटर किया जा सके स्टार्टिंग में ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इस था इसमें हमारे इंडिया के हंड्रेड ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया था जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो काफ़ी कम है चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब छः साल की उम्र के बच्चों में क्या सेक्स रेशियो है कितने बच्चे मेल चाइल्ड हैं आउट ऑफ थाउजेंड कितने मेल चाइल्ड हैं थाउजेंड पर मेल चाइल्ड में कितने फीमेल चाइल्ड हैं ये होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो सिम्स एक बार फिर से सुनिए चाइल्ड सेक्स रेशियो सिंपली टेल्स अस कि छः साल से कम उम्र के बच्चों में पर हज़ार मेल चाइल्ड पे कितनी फीमेल चाइल्ड हैं तो हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार गिर रहा था फॉर एग्जांपल अगर 2001 का आप सेंसस देखिए तो चाइल्ड सेक्स रेशियो वॉज नाइन ट्वेंटी सेवन दैट मीन्स कि एक हज़ार एक हज़ार छः साल से कम उम्र के जो मेल चाइल्ड के तुलना में बस 927 गर्ल चाइल्ड थी और 10 साल बाद 2011 में ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 से घट के नाइन हो गया तो चाइल्ड सेक्स रेशियो घटने का मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेक्स रेशियो घटना तो इस कारण से भारत सरकार ने स्कीम्स शुरू की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ताकि बेटियों के ओवरऑल सबसे पहले तो उनके सर्वाइवल को प्रोटेक्ट किया जा सके फीमेल फेटिसाइड जैसे प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके इसके लिए अवेयरनेस जनरेट की जाए फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट अवेयरनेस जनरेट की जाए और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे यानी कि एजुकेशन पे हेल्थ पे न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जा सके दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ा स्कीम हमारे देश की तीन मिनिस्ट्रीज मिल करके जॉइंट रूप से रन करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ़ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन ये तीनों मिल करके इस स्कीम को रन करती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद से चाइल्ड सेक्स रेशियो में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है अगर हम टू थाउजेंड -20 का मैनेजमेंट हेल्थ मैनेजमेंट इफॉर्मेशन सिस्टम डाटा देखें ट्वेंटी का सेंसस आना बाकी है सेंसस का रिपोर्ट आना बाकी है लेकिन अगर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा देखें अब 2019-20 तो हमें पता चलेगा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 918 दैट वाज इन 2011 टू 934 इन 2019-20 तो मान सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है हमारे समाज के ऊपर हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों था ये ज़रा देखते हैं हाल फिलहाल में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि जितना भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में अभी तक पैसा खर्च हुआ है पिछले पांच सालों में उसका 80 परसेंट पैसा बस मीडिया कैंपेन पे खर्च हुआ है अलग अलग जगहों पे प्रचार करने में खर्च हुआ है उन्होंने बताया कि 2016 से लेकर के 2019 तक में टोटल 446 करोड़ में से लगभग 80 परसेंट सिर्फ मीडिया कवरेज पे अलग अलग जगहों पे प्रचार करने में टीवी पे रेडियो पे बैनर लगाने में खर्च हुआ है और इसी कारण से इस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने रिकमेंड किया है कि अब आगे आने वाले टाइम में मीडिया कवरेज पर कम फोकस किया जाए और थोड़े से ग्राउंड वर्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए मतलब ऐसे चीज़ें बेटियों को लेकर के गर्ल चाइल्ड को लेकर के जिसका कुछ मेजरेबल आउटकम आए जैसे कोई स्कीम चला दिए पर्टिकुलर जैसे कुछ स्कीम्स चलाए हैं बेटी बचाओ बेटी के पढ़ाओ के अंतर्गत जैसे सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम वगैरह लेकिन और भी स्कीम चलाइए ताकि हमें एग्जैक्टली exactly दिख पाए कि क्या फ़ायदे हुए हैं अचीवेबल मेजरेबल आउटकम्स के टर्म्स में हम मेजर कर पाएँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बेनिफिट्स को सिर्फ मीडिया कवरेज से तो पता नहीं चलता कि हमें कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा फंड डाइवर्ट करके मीडिया कवरेज को कम किया जाएगा और कुछ नई नई स्कीमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लाई जाएंगी इस टॉपिक के वैसे इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन दर्ट से फ्रॉम आसम सेगमेंट इट इज अबाउट शहीद दिवस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स इूज पॉइंट ऑफ व्यू आप सबको वैसे पता ही होगा कल का दिन यानी कि दस दिसंबर हमारे स्टेट आसाम में शहीद दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी आसाम के जो अभी के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हमारे हेमंत बिश्व शर्मा साहब उन्होंने हमारे जो भी शहीद हैं शहीद ये आसाम मूवमेंट के उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी उसके अलावा उन्होंने एक पाँच करोड़ का कॉर्पस फंड भी इस्टेब्लिश किया विच विल यूज टू तो बेनिफिट द पीपल हुआ अफेक्टेड बिकॉज ऑफ आसाम एजुटेशन अगर शहीद दिवस की हिस्ट्री देखी जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो आप इसको ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम एन इवेंट दैट हैपेंड इन 1978 हुआ क्या कि 1978 में लोकसभा एमपी फ्रॉम मंगलदाई कॉन्स्टिट्युएंसी हीरालाल पटवारी जी की डेथ हो गई तो हीराला पटवारी जी की डेथ होने के बाद बाइपोल्स कराए जाने वाले थे मंगलदय कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वहाँ पे जब इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए गए दोबारा से वोटर लिस्ट प्रिपेयर की गई तो पता चला कि लगभग तेरह लाख इलीगल इमिग्रेंट्स ने अपना नाम वोटर लिस्ट में अपडेट करा लिया है तो इसके बाद से एक तरह का मूवमेंट इरप्ट हुआ बहुत ही स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इरप्ट हुआ ये मूवमेंट जो है लीड कर रहे थे ऑल असाम स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स और ऑल आसाम गन संग्राम परिषद के लीडर्स ए के और आसू के लीडर्स इसको स्टूडेंट लीडरसिप्स को लीड कर रहे थे मूवमेंट अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स की जो इलीगल तरीके से हमारे स्टेट में घुस आए हैं और वोटर लिस्ट में भी अपना नाम डलवा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और हमारे स्टेट से बाहर डिपोर्ट किया जाए तो धीरे धीरे स्टूडेंट ये मूवमेंट जो था वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई या नौकरियाँ छोड़ करके इस मूवमेंट पर पार्टिसिपेट किया बाद में पुलिस ने भी थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती दिखाई एट्रोसिटीज़ दिखाई उसमें धीरे धीरे कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने लाइफ भी सेक्रीफाइस की मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वेर आर मर्टायर्ड और जो पहली इस तरह की इंसिडेंट हुई थी दैट हैपेंड इन द इवनिंग ऑफ नाइन्थ दिसंबर तो नाइन्थ दिसंबर की रात को खारगेस खार्गेश्वर तालुकदार जी की हु वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ बोरपेटा आसू यूनिट उनकी डेथ हुई ही वॉज बीटन टू डेथ बाई पुलिस तो दैट्स वाई ही इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट शहीद ऑफ आसाम मूवमेंट और खार्गेशकर ताल्लुकदार जी की डेथ के बाद ही उनको फर्स्ट मटायर कहा जाता है और उस दिन को हम लोग शहीद दिवस के तरह ऑब्जर्व करते हैं और अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ इट इज़ बिलीव्ड की अबाउट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा अबाउट एट हंड्रेड सिक्सटी मोर स्टूडेंट्स डाइड इन दिस आसाम मूवमेंट अल्टीमेटली ये मूवमेंट जो लगभग छः सालों तक चला सेवेंटी एट से लेकर 85 फाइव तक बाद में आसाम सरकार आ, बाद में भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट जो यूनियंस हैं उनकी डिमांड को माना और नाइनटीन एटी फाइव में जा कर के आसाम अकॉर्ड साइन किया आप देख सकते हैं राजीव गांधी वाइल साइनिंग आसाम अकॉर्ड विथ द स्टूडेंट यूनियन ऑफ आसाम आसाम अकॉर्ड में भारत सरकार ने प्रॉमिस किया कि दे विल आइडेंटिफाई द इलीगल इमीग्रेंट्स हु हैव इंटर्ड इनटू असम आसाम एंड दे विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ आसाम प्रॉमिस तो कर दिया 1985 में लेकिन इसमें काम जाकर के बहुत लेट शुरू किया गया इन 2013 थ्रू अपडेटिंग एन आर सी प्रोसेस और वो प्रोसेस भी अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी सरकार कह रही है कि एन आर सी प्रोसेस को हम रीवेरीफिकेशन के लिए भेजेंगे तो प्रॉमिस किया नाइनटीन एटी फाइव में और एन प्रोसेस की मदद से उसको कुछ हद तक इस प्रॉमिस को फुलफिल करने की कोशिश की गई ये भी एन प्रोसेस जो है भारत सरकार ने नहीं शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद शुरू हुआ था दूसरा प्रॉमिस जो असम अकॉर्ड में किया गया वो था कि असम के जो लोकल लोग हैं उनके सोशल पोलिटिकल कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड दैट वॉज पार्ट ऑफ क्लॉज सिक्स ऑफ असम अकॉर्ड तो क्लॉज सिक्स दैट्स वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ असम अकॉर्ड विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सोशल कल्चरल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ असम कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका तो तो आंसर देख लेते हैं विच आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट केन बेतवा लिंक कनाल एक्सेसिव वाटर फ्रॉम बेतवा रिवर विल बी ट्रांसफर टू केन दिस इज रॉन्ग एक्सेसिव वाटर फ्रॉम केन विल बी ट्रांसफर टू बेतवा द प्रोजेक्ट विल पार्सली सबमर्ज पन्ना टाइगर रिजर्व यहां तक तो ये सही है एज बेतवा रिवर मूव थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व यहां जाकर के गलत हो जाता है क्योंकि केन रिवर मूव थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी नन दर्ट ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग